गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर लेसन 1 अमृतवाणी की एक्सरसाइज घा का कार्य करेंगे। बच्चों, गा तक हम लोगों का हो गया था, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंसर मैंने बताया भी था बच्चों, मैंने केवल फिल नहीं किया था, वो मैं आपको फिल करके बता देती हूँ। विद्या धन उत्तम अहे, धन माया बेकार, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। तो बच्चों, ये आपके फिलअप के आंसर हैं, ये मैंने आपको बता दिए आज दोबारा, और आपको इसकी पिक भी भेज दी जाएगी, इसे आप अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा। उसके जस्ट बच्चा नीचे है एक्सरसाइज घा, जिसमें दिया हुआ है बच्चों कि दिए गए दोहों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये दोनों दोहे बच्चों आपने अपने लेसन में हैं और आपने इनको पढ़ा है, इनका भाव आपको मैंने अच्छी तरह समझाया है, इसे आपको अपनी कॉपी पे करना है। इसमें से पहला दोहा है बच्चों कॉपी पर, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। बच्चों, ये दोहा कबीरदास जी का है, इन्होंने इसमें बताया है कि गुरु आप समझ रहे हैं ना, आपके अध्यापक, आपके शिक्षक, गोविंद मैंने ईश्वर, तो गुरु और गोविंद बच्चों दोनों जब खड़े हैं तो एक दुविधा रहती है ना कि मैं पहले किसके चरण छूं, किसके पाँव लगूँ। तो हे गुरु, आपको मैं बलिहारी जाऊँ कि आपने मुझे गोविंद के बारे में बताया है, इसलिए क्या करना है, अब हमें पहले हमें अपने गुरु के चरण छूने हैं क्योंकि उन्होंने हमें ईश्वर का मार्ग बताया है। अब बच्चों, इसका अर्थ आप लोग, भाव अर्थात अर्थ है ना, भावार्थ भी इसको बोलते हैं शब्द में, तो अब हम लोग वो लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे बच्चों इसको इस तरह से, कबीर दास जी ने इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो मैं किसके पैर छूं, किसके पैर छूं। हे गुरु, मैं आपकी बलिहारी जाऊं कि आपने हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया, और मैंने दुविधा को छोड़कर गुरु के पैर छुए क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर से मिलने का मार्ग या रास्ता बताया है। बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, एक बार मैं इनको फिर से पढ़ रही हूँ। कबीर दास जी इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात गुरु अध्यापक और हमारे ईश्वर दोनों हमारे सामने खड़े हैं तो मैं किसके पैर छूं। हे गुरु, मैं आपकी बलिहारी जाऊँ कि आपने हमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया, और मैंने दुविधा, मतलब जानते ना बच्चों, असमंजस, दुविधा को छोड़कर कि किसको क्या करें, ये चीज़ की दुविधा छोड़कर गुरु के पैर छुए क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर से मिलने का मार्ग अर्थात रास्ता बताया है, अर्थात गुरु से मिलने का बताया है कि कैसे हम अपने गुरु तक, हम अपने ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु कबीरदास जी ने गुरु को ज़्यादा महत्व दी है। अब हम लोग बच्चों इसी की दूसरी पंक्तियां हैं उसकी तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बच्चों, ये दोहा आपने पढ़ा था ना, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दो दो बार मैंने इसको आपको बताया है। अब आपको इसके भाव का अर्थ लिखना है। बच्चों, इसका भाव है, इसमें कवि कह रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा बड़ा होने का कोई लाभ नहीं जो जो किसी की मदद ना कर सके। उसी प्रकार से बच्चों, जैसे खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होता है मगर वह राही को अर्थात पथिक, राही मैंने समझ रहे हैं ना, पथिक को छाया नहीं दे पाता है,
और उसके फल भी इतने दूर लगे होते हैं कि यात्री या पथिक उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। बच्चों, तो आपने इसको समझा कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता। यदि कोई बहुत बड़ा है और वह किसी के काम नहीं आता, किसी की मदद नहीं करता, तो वो कैसा होता है? जैसे खजूर का पेड़ होता है बच्चों, जो कि एक पंथी को भी छाया नहीं दे पाता है और उसके फल भी इतनी दूर होते हैं कि वो भी उसकी पकड़ से, उसकी पहुंच से दूर होते हैं। तो इनको हम लोग जब लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे बच्चों कि कवि कहते हैं कि ऐसा बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है जो किसी की मदद ना कर सके, किसी की सहायता ना कर सके, किसी को लाभ ना पहुंचा सके। जैसे कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है मगर वह राही को अर्थात पथिक को छाया नहीं दे पाता है और उसके फल भी इतनी दूर लगे होते हैं कि उसे राही उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बच्चों, आपने देखा, आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया। अब इन्हें आपको अपनी कॉपी पे जैसे मैंने लिखा है, दोनों पेज में अलग अलग पंक्ति लिख करके उसका भाव अर्थ, उसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग चलते हैं बच्चों संस्कृत की तरफ। संस्कृत में बच्चों हम लोगों ने पहले क्या किया था, मम मित्रम में संस्कृत में अनुवाद, हिंदी में वाक्य लिखे हुए थे बच्चों, उसको हम लोगों ने संस्कृत में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट। अनुवाद का मतलब होता है बच्चों ट्रांसलेशन। अब उसी तरह से हम लोगों ने पांचों किए, तो आपने ये अपनी कॉपी पे सब कर लिया है। अब आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6 करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी पहले हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, हिंदी से संस्कृत में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, संस्कृत में वाक्य लिखा हुआ है और उसे हम लोग हिंदी में करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहला वाक्य है राधिकया पिता नगरस्य प्रसिद्ध चिकित्सका अस्ति। यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चों कि राधिका के जो पिता हैं वो प्रसिद्ध के क्या हैं, चिकित्सक मैंने बच्चों डॉक्टर हैं। तो हिंदी में हमने उस वाक्य को ऐसे लिखा है, देखिए, राधिका के पिता नगर के, नगर भी लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों आप लोग, और शहर भी लिख सकते हैं, तो शहर के भी लिख सकते हैं, के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। सेकंड देखिए बच्चों, या मातु पितु च सेवा करोति स सदाचारी भवति। क्या कह रहे हैं, या मैंने जो, मातु पिता मैंने जानते हैं माता पिता, सेवा आप जानते हैं ना, जो उनकी सेवा करता है, जो उनकी उनका उनके लिए सब कुछ करता है, उनके दुख सुख में उनका साथ देता है, वो क्या होता है बच्चों, सदाचारी भवति मैंने होता है। अब देखिए, या मातु पितु च सेवा करोति स सदाचारी भवति। अब हम लोग बच्चों इसको हिंदी में लिखेंगे, जो माता पिता की सेवा करता है वह सदाचारी होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आते हैं हम लोग बच्चों तीसरे वाक्य की तरफ, या वृद्धाणाम सेवा करोति तस्य आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते। क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर, या मैंने जो, वृद्धाणाम मैंने जो वृद्धों की सेवा, मैंने सेवा करोति मैंने करता है, तस्य मैंने उसकी, आयु मैंने जानते हैं ना उम्र, विद्या मैंने विद्या अर्थात शिक्षा, यश उसकी कीर्ति, बल मैंने बच्चों उसका पराक्रम, वर्धन्ते मैंने बढ़ता है। अब हम लोग जब इसको हिंदी में लिखते हैं बच्चों तो इस तरह लिखेंगे कि जो वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु विद्या यश बल बढ़ता है। तीन वाक्य हो गए बच्चों, एक वाक्य और है इसमें, देखिए वाक्य नंबर 4, वाटिकाया
पादपा वृक्षा च अपि अस्माकं मित्राणि सन्ति। वाटिका मैंने बच्चों बताया था ना बगीचा, पादपा मैंने पेड़ पौधे, च अपि भी, अपि मैंने होता है भी, अस्माकं मैंने हमारे, मित्राणि मित्र, सन्ति मैंने है। वाटिकाया पादपा वृक्षा च अपि अस्माकं मित्राणि सन्ति। अब हम लोग बच्चों इसको हिंदी में लिखेंगे, बगीचे के पेड़ पौधे भी हमारे मित्र हैं। बगीचे के पेड़ पौधे भी हमारे मित्र हैं। बच्चों आज इस लेसन का ये आखिरी एक्सरसाइज थी, अंतिम एक्सरसाइज थी। ये आप अपनी कॉपी पर जैसे प्रॉपरली मैंने ब्लैक से वाक्य और हिंदी में ब्लू से लिखा है उसी तरह से आप इसे करेंगे। ये आपका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।